नमस्कार दोस्तों, मैं अर्षित आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल की एक और नई वीडियो पे। तो वीडियो में कहीं भी अब आगे चलने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिवील है जो अभी कर देता हूँ। पारस ऑटो वर्ल्ड पे बहुत टाइम से होता था ये कि बोला जाता था कि वेबसाइट पे नहीं है हमारे पास, और इंस्टाग्राम पे चले जाओ, व्हाट्सएप पे चले जाओ, या सुपर राइडर पे भी अगर आप देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, उसमें आपके लिए भी सिरदर्दी, हमारी तो डबल होती थी। तो उसके लिए ये हो रहा है जी कि पारस ऑटो वर्ल्ड और सुपर राइडर लखनऊ दोनों अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्द। डेट्स और बाकी सारी चीजें आपको आगे आने वाली वीडियोस में या इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा कि दोनों की वेबसाइट्स कब आ रही हैं। तो यही था एक छोटा सा अपडेट। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये सब आप मिस कर रहे हो, देख रहे हो, मेरे को ये सब वीडियो में बताना पड़ रहा है। ऑलरेडी स्टोरीज पे अपडेट कर दिया गया है। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ना, टाइटल वगैरह आपने देख के समझ लिया, लेकिन ये जो अगर आप केजीएफ देखे हैं, मतलब केजीएफ तो नहीं देखी हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो अगर आपने केजीएफ देखी होगी तो इसको आप पहचान गए होंगे। तो जी एग्जोर ने एकदम किया है कि गरम हथौड़े गरम लोहे पे मार दिया हथौड़ा। उन्होंने अपनी एक लेजेंडरी सीरीज निकाली है, इसका नाम है लेजेंडरी सीरीज, और लेजेंडरी सीरीज में इनके ये दो हेलमेट लॉन्च किए गए हैं। और इसमें आप जो ये तो देख रहे हो आगे, इसमें गॉगल दिया हुआ है, इस तरीके का कुछ इसका लुक है, और इसमें ISI सर्टिफिकेशन ही है अगर आप बाहर से देखोगे तो। लेकिन अगर आप अंदर से देखोगे तो यहाँ पे आपको डॉट का जो है वो टैग जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं कि भाई एग्जॉर ने डॉट हटा दिया क्या, ऐसा नहीं है। बाहर जो आपको सर्टिफिकेशन है वो सिर्फ ISI देख रही। तो ये जो आप देख रहे हो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा स्टेप है, जिसमें बाहर आप देख रहे हो बाहर ISI, क्योंकि पुलिस वालों को, भारतीय पुलिस वालों को इससे मतलब है, डॉट है, ECE है, उनको उससे मतलब नहीं, उनके हिसाब से ISI स्टैंडर्ड जो है वो सबसे सेफेस्ट है, यही होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हो हेलमेट सेम है, इसमें आप जो गॉगल स्टाइल देख रहे हो दोनों के गॉगल अलग है, तो एक तरीके से ये तीन हो गए। और इसमें अगर आप ब्राउन कलर चाह रहे हो तो बहुत जल्द हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, अभी स्टॉक में नहीं है, अभी स्टॉक में सिर्फ ब्लैक कलर ही है। और अगर थोड़ा सा लॉक वगैरह की बात कर लें, वेट की बात कर लें, तो इसका वेट अप्रॉक्स 1100-1100 ग्राम के आसपास ही, इससे ज्यादा नहीं है। वेट इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है, और ये बिल्कुल मैट लुक में दिया है, और मतलब पहनने के बाद काफी अच्छा लुक आने वाला है। एक बॉबर हेलमेट अगर आप देख रहे हो या ओपन फेस हेलमेट थोड़ा लुक के साथ देख रहे हो तो आप ये हेलमेट पे जा सकते हो। अंदर की जो पैडिंग वगैरह आप देख रहे हो ये बिल्कुल मतलब इस पे देख रहे हो, यहाँ पे आप लेदर का भी काम हुआ है, ऊपर की तरफ भी लेदर का काम है। तो एग्जॉर की रेट्रो सीरीज में भी हमने देखा था, जैसे डोमिनेटर हो गया, उन सब में भी लेदर का काम काफी ज्यादा था। और जो पैडिंग है इसकी काफी स्मूथ है, आप पैडिंग इसकी निकाल करके वॉश भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से आप निकाल करके वॉश कर सकते हैं। और ओपन फेस है तो उसमें वेंटिलेशन का ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला है नहीं। अब चलते हैं इसके क्लोज फिट या फुल फेस हेलमेट की तरफ। ये जो आप देख रहे हो ये कुछ इस तरीके का इसका लुक है यहाँ पर, और ये ग्लॉस फिनिश में है। यहाँ पर आगे आपको एग्जॉर की जो है जो बैजिंग है वो देखने को मिलती है, ऊपर आपके वेंटिलेशन होल्स दिए हुए हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे बहुत ही स्लीक सा एक हॉटबैंड दिया है, जो मतलब फर्स्ट लुक में देखने में पता भी नहीं चलता है। और वाइजर उठाने के लिए भी आप जो देखेंगे यहाँ पर हल्का सा इसमें लेदर का एक हुक लगाया गया, जिसको यूज़ करके आप इसका जो वाइजर है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ISI और ECE सर्टिफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जॉर हेलमेट की ब्रांडिंग इस तरफ आप देख सकते हो। वेट जो है इस पे लिखा हुआ है 1525 प्लस माइनस 50 ग्राम, तो मतलब 1600 के आसपास आप वेट मान लो मोटा मोटा। पैडिंग वगैरह जो है उसमें भी आप देख रहे हो लेदर वगैरह का काम किया गया है, ऊपर में हल्की सी स्टिचिंग की गई है रिम पे भी हेलमेट के। और आगे जो आप देख रहे हो यहाँ पर इसका वेंट है एयर के लिए, अंदर से ही ऑपरेट होगा। और पैडिंग वगैरह जो है उसकी रिमूवेबल है, आप निकाल करके वॉश कर सकते हैं जब भी कभी स्मेल आए। तो यही एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए, मतलब आज ही आया और आज ही मैंने सोचा कि इसको गरम गरम माल है सेंक दिया जाए।